welcome back to my channel, Ari and Ari. तो आज मैंने मंगाया है Amazon से एक pencil box. तो आज मैं unboxing करके दिखाने वाला हूँ कैसा है ये. तो चलिए open करते हैं. ये देखिए पेंसिल बॉक्स. अनबॉक्स कर रहे हैं. कैसे आया है जी जी जी. मैं बहुत दिनों से इसको मंगवा रहा था. आप देख सकते हैं इसका लुक. यहाँ पे भी आप रख सकते हैं. यहाँ पे एक चेन है. ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे भी रख सकते हैं. और यहाँ पे अपनी पेंसिल्स, पेंस और भी चीजें रख सकते हैं. और पीछे भी ये रख सकते हैं. और बहुत ही सॉफ्ट है. हाँ, दम कॉटन जैसा लग रहा है. यहाँ पे बहुत सॉफ्ट है ये. और ये भी सॉफ्ट है बहुत. ये चीज भी बहुत सॉफ्ट है. ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप. और इसकी एकदम सॉफ्ट है. तो ये बॉक्स मेरे को बहुत पसंद आया. ये चेन है, इससे बन से लो हो जाएगा. मैं तो सबको दिखा के आता हूँ अपना पेंसिल बॉक्स, फिर मैं आपको अपना स्टेशनरी रख के दिखाऊंगा. ये कलर्स ऐसे भी इसमें आ जाएंगे और ऐसे भी आ जाएंगे. तो बस इसमें कुछ पॉकेट्स छोटी है, कुछ पॉकेट्स बड़ी है पेंसिल और उसके हिसाब से दी आएगी. इसमें ये सर इसको इसमें एंड देन ऐसे रहे ऊपर नहीं जाए. ये देखिए यहाँ पे हाइलाइटर, ग्लू स्टिक, इरेजर, शार्पनर, टेप. यहाँ पे पीछे सीजर्स हैं. ये देखिए और मार्कर भी है, वाइट बोर्ड मार्कर. यहाँ पे पेंस, पेंसिल एंड कलर भी रख सकते हैं. और यहाँ पे हमारे वो है कलर्स. और ये हमारा पैड है. और ये तो आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने खुद बनाया है पैड. ये हमारा है. अब ये आसानी से क्लोज भी हो जाएगा, तो ये हैवी भी हो जाएगा. वैसे इतना मैं ले नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा तो
यहाँ पे हम लोग कुछ और जैसे कलर साफ करने मैंने तो कलर्स को आप हटा के कोई और चीज़ भी रख सकते हैं, जैसे यही चीज़ रख लिया है आप, कोई पतले से चीज़ें रख सकते हैं, डायरी छोटी छोटी सी पतली सी रख सकते हैं, और जैसे आप नोट्स वगैरह भी रख सकते हैं, नोट पैड और स्टिकी नोट्स वगैरह यहाँ पे भी आ जाएंगे, ये हो जाएगा बढ़िया।